शहर में कोरोना ने दी दस्तक, संक्रमित युवक की मौत। देश के कई इलाकों में तेजी से कोविड के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं लगभग 100 दिन बाद आज शहर में एक बार फिर कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा। शहर में कोरोना संक्रमित एक युवक ने आज दम तोड़ दिया। शिक्षा विभाग में नर्सिंग उप अधीक्षक पद पर तैनात थे। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पूर्व सुबह अचानक तबियत खराब हुई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां चिकित्सा विभाग ने कोरोना जांच के सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट में राठौड़ कोरोना पॉजिटिव मिले। तबियत में सुधार नहीं होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, जो आज तड़के जिंदगी और मौत की जंग हार गए। कोरोना संक्रमित राठौड़ की मौत कोरोना के कारण हुई या किसी और अन्य बीमारी से, ये तो मेडिकल बोर्ड की जांच टीम के बाद ही पता लग पाएगा। परंतु हमें कोरोना महामारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उधर ACMHO डॉक्टर घनश्याम चावला का कहना था कि बीते 3 दिनों में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसलिए आमजन को सतर्क रहने के साथ साथ मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम और खांसी होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेकर जांच अवश्य करानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र ने भी देश के 6 राज्यों को अलर्ट पर रखा है। अतः हमारा चैनल भी आम जनता से अपील करता है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले जाने पर जगह से बचें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। सावधानी ही फिलहाल बचाव है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। कि मेरे चिकित्सालय के एक महत्वपूर्ण चिकित्सा कर्मी का आज कोविड की बीमारी से निधन हो गया है। हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि कोविड उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिनको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें, सब लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और किसी भी संभावित बीमारी का यही उपचार है कि हम लोग प्रिवेंशन पे ध्यान दें। हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ, पूरा स्टाफ, सारे चिकित्सक शोकमग्न है, हमने हमारे एक महत्वपूर्ण साथी को खो दिया। तो ये कब से बीमार थे सर, कोविड कोरोना से? पिछले 3 दिन से ये मेरी आईसीयू पे थे, वेंटिलेटर पे चले। आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जिला अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ स्वर्गीय महेंद्र सिंह राठौर जी का स्वर्गवास हो गया। उनको कोविड भी डिटेक्ट हुआ था और साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी थी, तो ऐसी स्थिति में कोविड और घातक हो जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि कोविड से जो खतरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है या नियमित रूप से बना हुआ है और कभी भी रिबाउंड कर सकता है। तो इस खतरे को देखते हुए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा समस्त भीलवाड़ा वासियों से कि कोविड संक्रमण का आपने जो दौर देखा है उसको याद रखें और उसको याद करते हुए कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करें। हाथ नियमित रूप से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और बड़े कॉन्गेगेशंस को, बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करें ताकि संक्रमण की दर जो अभी भी है उसको कम रखा जा सके, उसको डेडली होने से रोका जा सके। मैं एक बार पुनः पूरे अस्पताल के सभी नर्सिंग कर्मियों को और डॉक्टर्स को उनके एक साथी के चले जाने के इस घड़ी पर ये हार्नस देता हूँ कि उनकी सर्विसेज पूरे विश्व में सराही गई हैं और आगे भी भीलवाड़ा में जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपकी सर्विसेज के माध्यम से भीलवाड़ा उसको लड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख से 16 तारीख और 17 तारीख को, जो 14 तारीख से 15 और 16 को 3 दिनों से पिछले भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा ज़िले में जो है कोरोना के केसेस निकले थे। फर्स्ट डे 3 केसेस निकले थे, उसके बाद में परसों 2 केसेस निकले थे और कल 6 केसेस निकले थे। 5 हमारे यहाँ से डायग्नोस हुए थे और 1 अजमेर मेडिकल कॉलेज से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। तो टोटल अभी 11 केसेस हो चुके हैं और इसके साथ साथ ही जो H3N2 जो कि स्वाइन ये जो एक इन्फ्लुएंजा स्पेसीज का ये वायरस है, तो इसमें जो है हमने पहले भी सारे डॉक्टर्स को OPD में सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि जो भी वायरल के केसेस आ रहे हैं उसके अंदर जो भी रिपीट केसेस आते हैं, अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया और वापस रिपीट होकर आ रहे हैं, तो हमने उनको टेमीफ्लू जो है दवाई है ओसिल्टामावीर, तो उनको ऐड करने के लिए बोला था। तो वो बॉडी वेट के हिसाब से, बच्चों के लिए, एडल्ट के हिसाब से वो अलग अलग मेडिसिन जो है वो हमारे सभी संस्थान पे अवेलेबल है और उन्होंने जो है ये देना चालू करा। तो उसके कारण जो है ये सीजनल डिजीज़ में जो वायरल के जो सीवियरिटी आ रही थी वो काफ़ी कम हुई है।
और अब 3 दिनों से जो ये कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं तो उसमें बस एक सभी जगह चार कम से कम 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर वहाँ से डिक्लेयर हुए हैं और राजस्थान में कम से कम 50 से ऊपर जो हैं एक्टिव केसेस हैं अभी, तो भीलवाड़ा में भी 11 एक्टिव केसेस हैं। तो अपील ये है कि एक बार अगर ये इसमें क्योंकि कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट तो होता नहीं है कि ये सर्दी में आ रहा है या गर्मी में आ रहा है, ऐसा कुछ है जैसा वायरस की अपन ने पिछले 2-3 सालों से अपन इसकी नेचर देख रहे हैं। तो जनता से अपील यही रहेगी कि एक बार जो हम पिछले जो SMS की पालना कर रहे थे यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की और मास्क की जो पालना कर रहे थे वो वापस अपने को करनी चाहिए और बचना चाहिए। कहीं पे भी भीड़ भड़का है या और कहीं हॉस्पिटल में भी आप किसी पेशेंट को दिखाने जा रहे हैं तो अपना खुद का मास्क वगैरह का यूज करना चालू करें, क्योंकि ये आपको जो है पता है कि एयरबोन डिजीज़ है और खांसी और छींक से ये सबसे ज़्यादा जो है फैलता है। तो अपन प्रिकॉशंस के लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मास्क है। रही एक वैक्सीन की बात, तो उसमें हमारे जो तीनों प्रकार की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोवावैक्स, ये तीनों ही अभी गवर्नमेंट सप्लाई में अभी पिछले कुछ दिनों से हमने डिमांड भी कर रखी है लेकिन स्टेट लेवल पे ही ये नहीं है। तो जैसे ही आ जाएगी वो लोग हमको इन्फॉर्म करेंगे और हमारी गाड़ियां भेज करके हम बता देंगे। तो जनता से भी ये अपील रहेगी कि अगर आपने डोज पूरे नहीं किए हैं रिस्पेक्टिव वैक्सीन जिसको जो लगी है वैक्सीन, अगर वो हमारे पास आती है तो हम मीडिया में भी देंगे और जैसे हमको इन्फॉर्म होगा हम आपको बिल्कुल बता देंगे, तो वो वैक्सीन जो है प्लीज़ आप लगाएं और ज़्यादातर घरों में आप सुरक्षित रहें, क्योंकि भीड़ भड़के में अगर आप जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें। और अगर आपके घर में कोई एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिसको छींक और सर्दी जुकाम है, नॉर्मल जुकाम भी है, तो आप उनको थोड़ा सा आइसोलेट करें ताकि वो 72 आवर्स के बाद जो है 72 घंटे के अंदर उसका असर कम हो जाता है, तो वो क्या है कि पूरे परिवार को नहीं फैला पाएगा। तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो अपने को इसमें करनी है।